अभी हम किस गैलरी अच्छा, में जा रहे हैं? आखिरी गैलरी हमारी जो है जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है उस सेल को, उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक सेल को प्रिजर्व किया हुआ है। दिस वॉज द प्रिजन इन विच बादशाह खान खान गफार खान वॉज केप्ट फॉर फोर लॉन्ग ईयर्स। आप देख सकती हैं इसमें इस तरह इन कैदियों को रखते थे। और मेरी ना एक्चुअली एक नज़र अंदर पड़ी है और एक कैदी नीचे लेटा हुआ है और एक खड़ा है, और जो एक वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन मिला है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं अच्छा खासा डर गई हूँ देख के, इट्स सुपर टफ लिटरली। अच्छा ये गेट भी देखिए कितना मजबूत और कितना बनाया हुआ है, ताला देखें उसका कितना बड़ा लगाया हुआ है। ये भी तभी का है? जी बिल्कुल, तभी उस टाइम का ताला है और तब से लॉक है। दो कैदी है ना अंदर? हाँ दो कैदी है, आप देख सकते हैं एक खड़ा है और दूसरा लेटा हुआ है। अगर आप इसको करीब से देखें ना तो आपको पानी का घड़ा भी अंदर पड़ा हुआ नजर आएगा, और उसके अलावा जो है कुछ और भी पड़ा हुआ। Can you see, वो चप्पल पड़ी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं वो लिखाई जी, कुछ तो मैंने लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता आपको शायद कैमरा उस तरह से क्लियरली आपको नजर आया कि नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितना मुश्किल वक्त होता होगा ना उनके लिए। वहाँ पे उनके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जाय नमाज पड़ी हुई है, दो जूतियाँ पड़ी हुई हैं, और पानी का जो मटका है वो पड़ा हुआ है। ये टॉर्चर सेल्स हैं। अच्छा, जिसमें ये टॉर्चर सेल्स का यूनिफॉर्म डिस्प्ले किया हुआ है आखिर तक। सो ये टॉर्चर सेल्स क्या मतलब, यहाँ पे खड़े कर देते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह वो लोगों को टॉर्चर किया करते थे। बेसिकली आप देखें, दिस वॉज हैंगिंग गैलो इन द ब्रिटिश एरा, जिसमें लोगों को फांसी देते थे। अच्छा, इट लुक्स लाइक दिस, जैसे आपको अगर ऊपर अगर अक्सर आपने देखा हो, आपको ऊपर से व्यू नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से होता है, ऊपर से किसी को फांसी देते हैं और एकदम से जब क्या कुछ खींचते हैं ना। जी एग्जैक्टली, आप इधर से देख भी सकती हैं, आप अगर आपको नजर आएगा कि उधर से लटकाते थे बंदों को। हाँ। और इधर आके आते हैं और फिर जब वो लटकता और नीचे यहाँ किस तरह से गिरते हैं। एंड देट वॉज डॉक्टर्स रूम, रियली टफ, रियली टफ। आप ये देखें कि उसको डिस्प्ले करने के लिए बाकायदा तौर पे एक डमी सी भी बनाई गई है, ताकि आपको सही से अंदाजा हो कि फांसी किस तरह से दी जाती है। अच्छा, दिस इज डॉक्टर्स रूम एट दैट टाइम। सही, मतलब डॉक्टर का काम यही होता था कि वो फिर जिसको फांसी देते थे तो वो डॉक्टर टेस्टिफाई कर लेता था कि भाई बंदा जिसको हमने डेथ डिक्लेयर कर दी है, मर चुका है या अभी भी जिंदा है, प्रॉपर उसको एक रिपोर्ट बनाते थे। इसको हमने अभी IGFC गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकती हैं कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी हमारे IGFC रह चुके हैं तो उनके हमने पिक्चर्स डिस्प्ले किए। आप ये देखें कि जब आप तला बाला हसार में आते हैं तो ये जो म्यूज़ियम है, जो कि अब म्यूज़ियम बन गया है, बेसिकली ब्रिटिश एरा में ये प्रिजन होता था। तो यहाँ पे आते ही एक तो आपको प्रिजन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे लोगों के जो रिश्तेदार थे वो उनको मिलने आते थे, और फिर फांसी घाट वो जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से वो ब्रिटिश एरा में था। फिर इसके अलावा सर प्रिजन्स भी बने हुए हैं कुछ, और इसके अलावा टॉर्चर सेल्स वो भी रहते हैं दिखाने वाले। हाँ, टॉर्चर सेल्स भी एग्जैक्टली। तो उस दौर का जो एक कह लें कि पूरा एक आपको वो भी डिस्प्ले मिलता है, वो भी अंदाज़ा होता है कि उस दौर में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और उसके साथ साथ अभी अगर आप गैलरीज को और म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है अबाउट द फ्रंटियर कॉर्प एज वेल, नॉर्थ या साउथ उनके जितने भी स्काउट्स हैं, उनके जितने भी यूनिट्स हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है।